आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 3, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो है क्लास 6 के लिए। और आज हमारी डेट है 21 सितंबर 2020। इस वर्कशीट को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि आज हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। आगे वर्कशीट देखते हैं, यहां से शुरू करेंगे। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स, जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स, जो जानवर जंगल में रहते हैं, उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। उसके बाद यहां पर एनिमल्स दैट लिव विद अस इन अवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। जो जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, उन्हें हम पेट एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ते को हम अपने घर में पाल लेते हैं, बिल्ली को हम घर में पाल लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, डियर हो गया, इस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। पेट एनिमल्स जो डॉग, कैट, ये सब होते हैं। एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ट बाय ह्यूमन एज वर्क एनिमल और फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है और इंसान उन्हें ट्रेन करके अपने पास रखता है काम कराने के लिए, जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे घोड़ा हो गया, घोड़े को ट्रेन किया जाता है, घोड़े को ट्रेन करके अपने साथ रखा जाता है, घोड़े से काम करवाया जाता है, इसी उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। यहां से शुरू करेंगे अब। लाइक अस ऑल एनिमल नीड्स शेल्टर टू लिव इन, अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। देयर शेल्टर्स आर देयर होम्स। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स। जैसे कि हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, इसी तरीके से सभी जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है। तो जो घर को हम बोल उनको हम बोलते हैं शेल्टर। शेल्टर हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मियों से, सर्दी से, बारिश से, हमारे एनिमीज जो होते हैं उनसे, एनिमीज मतलब हो गया दुश्मनों से। जो उनके शेल्टर, मतलब वही हमारा घर और शेल्टर एक ही बात है, मतलब उनके जो शेल्टर होते हैं उन्हें, वही उनके घर होते हैं। जो अलग अलग जानवर होते हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं। अब ये हमें वर्कशीट, हमारी वर्कशीट में एक्सरसाइज दी हुई है, ये आप शुरू करेंगे। आइडेंटिफाई द एनिमल, राइट इट्स नेम, टेल वेदर इट्स अ पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल। ये हमें यहां से लेके और यहां तक एनिमल्स की लिस्ट दी हुई, एनिमल्स की फोटोज दी हुई है। और आगे हमें, जैसे यहां पर हमें ये, यहां पर और यहां पर, हमें यहां पर बताना है कि ये नाम, यहां पर इस एनिमल का नाम क्या है और यहां पर ये वाइल्ड है या पेट एनिमल है। हम शुरू करते हैं यहां से, फर्स्ट पिक से। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कैट वाला। यहां पर हमें एग्जांपल दिया है कैट, तो कि ये एनिमल का नाम है कैट और ये कैट को हम घर में पालते हैं, इसलिए है पेट एनिमल। आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट फोटो से। नेक्स्ट फोटो में हमें क्या दिखाया गया है? टाइगर। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर जंगलों में रहता है ना, तो टाइगर जो है वाइल्ड एनिमल है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो हम देखेंगे। नेक्स्ट फोटो में हमें दिखाया गई है वुल्फ। वुल्फ कहाँ रहती है? जंगलों में, तो वो भी हुई वाइल्ड एनिमल। उसके बाद नेक्स्ट फोटो में हमें दिखाया गया है क्या? डॉगी। डॉगी, डॉग जो होता है वो कहाँ रहता है? हमारे साथ घरों में भी रहते हैं, तो जो घरों में रहते हैं उन डॉग्स को कहते हैं पेट एनिमल। ये हमारे पेट एनिमल होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया गया है बियर, BEAR, बियर। बियर भालू को बोलते हैं और बियर जो होता है वो एक वाइल्ड एनिमल होता है जो कि जंगलों में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोटो में हमें दिखाया गया है काउ। काउ जो होता है वो पेट एनिमल होती है। उसके बाद हमें यहां पर एक और एक्सरसाइज दी गई है। यहां पर लिखा है मैच द एनिमल विद इट्स होम। हमें यहाँ पर पूरी एनिमल्स की फोटोज और एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और हमें इनकी फोटो के साथ, ये यहाँ पर इनके होम है, शेल्टर जिसकी बात अभी हो रही थी, शेल्टर, ये शेल्टर्स हैं इनके, शेल्टर्स की लिस्ट है, पर ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि काओ जो है, काओ जो है वो शेड में रहती है, काओ शेड में रहती है, तो शेड नीचे दिया हुआ, काओ ऊपर बनाई हुई है, तो हमें उसको
आपने पहले भी किया होगा, हमें उसको मैच करना है। अब यहाँ पर अगर मैं मैच करूंगा तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ऐसे मान लीजिए कैनल लिखा है, तो मैंने इस कैनल को उठा के जिसके जिसके आगे आता है मैंने उसके आगे लिख दिया, पर आप लोग उसको मैच करेंगे जैसे कि काउ को मैच किया शेड के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं, काउ का रहती है शेड में, शेड में नीचे मैच किया हुआ है, इसी तरीके से आप इसे जैसे ये शेड को नीचे ऐसे करके मैच किया हुआ है, ऐसे करके आप उसे मैच करेंगे अपनी कॉपी के अंदर या अपनी वर्कशीट में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डॉग, डॉग का रहता है कैनल में, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको इसे, ये डॉग है तो डॉग कैनल में रहता है। अगर वही है मैं इस तरीके से करूंगा तो बहुत ज्यादा फिर आपको समझने में इश्यू प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको सामने सामने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स का रहता है, हॉर्स जो होता है वो स्टेबल में रहते हैं, स्टेबल में हॉर्स जो होता है स्टेबल में रहते हैं, जहां हॉर्स रहते हैं उसे हम कहते हैं स्टेबल। उसके बाद लायन के लिए, लायन का रहता है डेन में। उसके बाद हेन, हेन जो होती हैं मुर्गी जो होती है वो क्या रहती है, मुर्गी रहती है कूप में, जो कूप होता है, कूप रहते हैं दड़बे को, जो दड़बा होता है जिसमें मुर्गियां रहती हैं उसे बोलते हैं कूप। उसके बाद स्नेक का रहते हैं होल में, सांप जो है हो गया आपने देखा होगा बिल में रहते हैं, होल में रहते हैं एक। तो इसी तरीके से हमारी वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नई वीडियोस जो भी आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।